सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर हैं। आजमगढ़, जौनपुर, भदोई और प्रतापगढ़ में ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही 10 बजे हुसैनपुर, बड़ा गांव, फरिया, आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। तो अखिलेश यादव के गढ़ में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं देखने को मिलने वाली है। और सुबह 11 बजे टीडी कॉलेज जौनपुर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही दोपहर तकरीबन 12:45 पर जीटी रोड ज्ञानपुर भदोई में जनसभा करेंगे। तो ये तमाम कई ऐसी जगह है जहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर रहने वाले हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 5वें, 6वें और 7वें चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरकर सक्रिय हो चुके हैं। तो नाराज दयाशंकर मिश्रा ने थामा सपा का दामन। बसपा से टिकट कटने के बाद बदल दिया खेमा, तो बसपा को एक बड़ा झटका दिया गया है। बस्ती में जहां टिकट कटने के बाद अखिलेश यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। बसपा ने पहले बनाया था प्रत्याशी, फिर टिकट काटा। तो बसपा ने इससे पहले उनको प्रत्याशी घोषित किया था, दयाशंकर मिश्रा को, उसके बाद टिकट काट दिया। और टिकट कटने की वजह से नाराज हुए दयाशंकर मिश्रा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोपाल सिंह ने उन्हें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और चुनावी प्रचार में आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार सुनने को मिलेगी प्रधानमंत्री के साथ। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में वो जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आज लालगंज लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे फरिया निजामाबाद रोड आजमगढ़ में जनसभा होनी है। तो फरिया निजामाबाद रोड आजमगढ़ में भी जनसभा होनी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी भी पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही दोपहर तकरीबन 1 बजे मंझनपुर कौशाम्बी में सीएम योगी की जनसभा प्रस्तावित है। वही हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में सीएम योगी करेंगे जनसभा। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो करते हुए नजर आए थे। वही अब झांसी से सटे हमीरपुर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मौजूदगी रहने वाली है। कांग्रेस महासचिव के रायबरेली दौरे का दूसरा दिन है। कांग्रेस महासचिव के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सरेनी विधानसभा क्षेत्र में करेंगी नुक्कड़ सभाएं। तो आज सरेनी विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा नुक्कड़ सभाएं करने वाली हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी मांगेंगी जड़ समर्थन। लगातार राहुल गांधी के लिए चुनावी मैदान में सक्रिय हुई प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिर नुक्कड़ सभाएं करने वाली हैं। 14 मील से शुरू होकर लालगंज में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी रायबरेली में मौजूद है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। जमानत पर छूटने के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं। जमानत पर छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से आज मुलाकात करने वाले हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात है। उनके साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश से मुलाकात कर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे दोनों ही नेता। समाजवादी पार्टी के कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए आज अरविंद केजरीवाल लखनऊ आए हैं। और जमानत पर छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं।